नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो मैं सो के उठ के ना खिड़की और दरवाज़ा खोलती हूँ। सुबह सो के उठ के सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि मैं खिड़की और दरवाज़ा खोल देती हूँ कि थोड़ा नेचुरल हवा घर में आए। पूरा रात भर बंद बंद रहता है ना, इसके वजह से मैं डेली सो के उठ के दरवाज़ा खोलती हूँ। तो आज मैं दरवाज़ा खोली ना तो मेरा ध्यान पौधों पे चला गया। देखी तो उसका मिट्टी पूरा सूख गया था, पानी बारिश हो ही नहीं रही है तो पौधे का मिट्टी पूरा सूख गया था। तो मैं कह चलो सुबह सुबह पानी दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी तो शाम को देना पड़ेगा। मैं सुबह या शाम को देती हूँ, दोपहर में नहीं देती हूँ। पौधों को दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए और सुबह या शाम को ही देना चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह में सबसे पहले पौधों को पानी दी। फिर उसके बाद मैं आ गई कमरे में, हम गए चलो आज नया चादर बिछा देती हूँ। तो थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज कौन सा दिन है। इसके लिए मैं आज बदल रही हूँ अपने घर का चादर और वो भी नया बिछा रही हूँ। एकदम न्यू है, मतलब एक बार कभी बिछाई नहीं हूँ, पहली बार बिछा रही हूँ। वैसे तो मेरे घर में अभी सारे लोग बीमार चल रहे हैं। बाबू की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और हस्बैंड को भी बहुत तेज वाला फीवर हो रहा है 3-4 दिन से आज। तो मैं सोची चलो चादर वगैरह बदल देती हूँ, थोड़ा सा अपने घर का माहौल और लुक चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि बाबू का बर्थडे है तो थोड़ा सा माहौल चेंज कर दिया जाए। और ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा वाला ख़राब हो रखा है। उनको फीवर बहुत हो रहा है, 104-105 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। तो इसकी वजह से वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, कहा जाए तो पूरे दिन बस सोए रहते हैं। 4-5 दिन से छुट्टी चल रहे हैं, मतलब छुट्टी ले रखे हैं, छुट्टी पे ही हैं घर। तो अभी वो सोए हैं, बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं और सुबह के 6 बजे से मैं काम पे लगी हूँ अपने। हम कहें चलो आज बर्थडे भी है और थोड़ा सा मैं आज नहीं सोती हूँ, पूरा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मुझे कपड़ा आज बहुत ज़्यादा धोना है इसलिए मैंने मशीन लगा दिया कि अभी सुबह मैं लगा दूँगी ना तो टाइम से हो जाएगा। नहीं तो अगर सो जाऊँगी 1-2 घंटे के लिए तो उठूँगी तब तक पता चले कि आधा कपड़ा धो ही पानी चला जाएगा। 11 बजे तक पानी चला जाता है सप्लाई वाला, तो इसकी वजह से आज मैं सोई ही नहीं, काम पे लग गई। हमके चलो आज बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो कपड़े ही धो लेती हूँ। तो एक बार का देखे मैंने धो भी लिया, ड्रायर कर दिया और फैला भी दी, और दूसरे बार का मैंने लगा दिया है मशीन, धुल रहा है। और हस्बैंड का मैंने पहले भी बोला कि उनकी तबीयत ख़राब है तो वो सोए हुए हैं, उनको मैं पूछ रही हूँ कि आप सैंडविच खा लीजिए, ब्रश कर लीजिए, फिर उसके बाद दवाई वाई खा लीजिए, खाना बाद में बनाऊँगी, अभी तब खाइएगा। तो मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं मुझे सैंडविच नहीं खाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए बनाऊं या ना बनाऊं, यही मैं कंफ्यूज हूं अभी किचन में कि 1 सेकूं या 2 सेकूं। मुझे बहुत दुविधा हो रहा है क्योंकि 2 मेरे लिए हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैं 1 ही बनाना चाह रही हूं अपने लिए। मैं फिर फाइनली सोची कि चलो दोनों बना देती हूं, खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर रख दूंगी, बच्चे लोग आके स्कूल से खा लेंगे। और एक साइड में मैंने रखा है चाय बनने के लिए, तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूं। काम तो आज बहुत ज़्यादा है तो काम अभी इतना जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि अभी दोनों बालकनी पूरा भर गया है, बाहर की रस्सी भर गई है। तो देखती हूँ अगर छत पे रस्सी होगा ना तो ले जाके छत पे फैलाऊंगी, अभी यही तो सोच रही हूँ। अभी रस्सी मैं अपने तरफ का तो खोल दी हूँ, बगल वाली भाभी है ना उनके तरफ रस्सी है। एक दिन मैं गई थी छत पे तो देखी थी रस्सी बंधा हुआ था। तो अभी मैं आ गई छत पे, सारे कपड़े सुखा लेती हूँ, नाश्ता वास्ता तो मैंने कर लिया। और हस्बैंड के लिए आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी। जितने लोग हैं मेरे घर में उतने तरह का भी खाना बन रहा है। मेरी भी तबीयत खराब है ना तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कुछ करने का, जबरदस्ती का सारा काम करती हूँ, दवाई खा लेती हूँ, जब मुझे आराम हो जाता है तब मैं लग जाती हूँ अपने काम में। मेरे सीने में दर्द हो रहा है और बहुत घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। 1 सप्ताह तक मुझे भी फीवर हुआ। मैं अपने छत पर का ना रस्सी खोल दी थी तो इसकी वजह से कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि बगल वाली भाभी है ना तो उनके छत पर ले आई हूँ फैलाने के लिए। नीचे पूरा भरा हुआ, दोनों बालकनी बाहर का सब एकदम भर गया है कपड़ा। सुबह के 6 बजे से मैं कपड़ा धोना शुरू की हूँ, अभी बज रहे हैं 10। अभी जाके मैं मशीन हटाई हूँ, झाड़ू पोछा हो गया, सारा काम हो गया। सारा काम क्या, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला काम तो हो गया है। छोले बनाई हूँ आज, आज है मेरे बाबू का बर्थडे। क्या बताऊँ, हम मतलब वो होता है ना कि जितना सोचो उतना हो नहीं पाता है। आज मेरे बाबू का बर्थडे है, हम लोग 10-15 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि बहुत अच्छे से मनाएंगे, हम लोग केक कटिंग करेंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने। कुछ नहीं हुआ, हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है, मेरा भी तबीयत ख़राब है। मेरा तो अभी ठीक है, बाबू भी ठीक है, बाबू का भी 2-3 दिन फीवर हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हस्बैंड के लिए रोटी अभी बनाऊंगी, आटा गूंथ के आई हूँ,
वो सोए हुए हैं, उनको बहुत तेज वाला बुखार है, तो अभी खाना खाएंगे फिर दवाई खाएंगे। क्या सोचे थे क्या हो गया, 3-4 दिन से बाबू स्कूल ही नहीं जा रहा था, तो क्या हुआ कि आज हमने थोड़ा सा ठीक था तो भेज दिए कि जाओ बस के बच्चों को और स्कूल के अपने बच्चों को टॉफ़ी बांट देना, 2 पैकेट हस्बैंड टॉफ़ी लाए कह के बांट देना, क्योंकि बर्थडे तो रोज़ नहीं आता है ना, 1 साल में 1 ही बार आता है, तो थोड़ा अच्छे से मना लेना चाहिए। तो ये बोले कि जाओ अपना स्कूल में बांट देना और अभी थोड़ा ठीक है तो स्कूल जाओ, वो भी बोर ही हो रहा था घर में, तो इसके वजह से हमने उसको भेज दिया। बेटी भी गई है और अभी देखूंगी, नहा वहा के ना हो तो जाऊंगी, कुछ बाबू के लिए गिफ्ट लेके आऊंगी, और बर्थडे का कुछ भी नहीं सोचे हैं कि क्या होगा, केक भी आएगा भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हस्बैंड को इतना तेज बुखार है कि वो जा ही नहीं सकते बाइक से, और मैं ऑटो से जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे ऑटो जाएगा नहीं। रोटी बनाऊंगी, बच्चे लोगों को भटूरा काटा गूंथूंगी, मतलब भटूरा बना दूंगी, क्योंकि बच्चे लोगों को लगना चाहिए ना कि आज कुछ स्पेशल है, मतलब बर्थडे है तो अच्छा बनाई थी मम्मा, उनको नहीं लगना चाहिए कि नहीं एकदम वही डेली वाला खाना बना दूँ। तो आज बनाऊँगी भटूरा, बच्चे लोग जब आ जाएंगे तब हम कहें चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे हस्बैंड सोए हैं ना, उनके सामने बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम कहें चलो छत पर बात करती हूँ। मेरा भी पता नहीं क्यों ना बहुत सांस फूल रहा है, 2 दिन से खांसी भी हो रही है, सांस फूल रहा, फीवर था तो ठीक हो गया, लेकिन खांसी हो रही है इसके वजह से सांस फूल रहा है। तो अभी ठीक हूँ, वैसे काम हम तो कर ही रही हूँ, बस ये है कि मन तो नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ रहा है। रात में मैं 2 बजे सोई, 4:30 बजे उठ गई, तो बेटी को सैंडविच बना के दी और दोनों बच्चों को तैयार की, परी तो तैयार हो जाती है, बाबू को तैयार व्यार की, तो सब तो चले गए, हस्बैंड गए हैं, बस में बैठा दिए हैं, बिठा के आए हैं, फिर उसके बाद तब से सोए हैं। मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, नहीं लेट हो जाएगा उनको खाना खाने में और दवाई खाने में। तो चलिए फिर फ्रेंड, जैसा भी आगे होगा बर्थडे अगर सेलिब्रेट करेंगे तो दिखा दूँगी, नहीं होगा तो भी आगे पता चलेगा ही। अब मैं जा रही हूँ नीचे रोटी बनाती हूँ, मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा वाला अच्छा है, मतलब बदरी सा मौसम है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। दिखाऊँ हमारा पार्क, देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है देखिए वो सब झूला वूला है, एक्सरसाइज करने वाला, वो सब दिख रहा है, और घास कटिंग कर रहे हैं भैया, वो घास काट रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ नीचे, बहुत दिन के बाद छत पर आ रही हूँ, मैं भी छत पे आप लोगों को ले चलती हूँ। चलिए देख लीजिए, देखिए इधर ही रस्सी बांधी थी, पूरा खोल दी हूँ, ठंडी आएगा ना तब बांधूँगी, अब ठंडी तक यहाँ रहेंगे तब बांधूँगी, नहीं रहेंगे तो कुछ पता नहीं, अब जॉब वालों का कुछ पता नहीं रहता है ना कि कब ट्रांसफ़र हो जाए कब क्या हो। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, बोल रही हूँ ना कि अगर नहीं तभी ठीक है तो जाने दीजिए, केक मत मंगवाइए। कैसे जाएंगे बाइक से? हो जाएगा घर ऑर्डर, मतलब ला देंगे सब, होम डिलीवरी है क्या? हाँ देखिए इतना सारा सब कपड़ा धोई हूँ, दोनों बालकनी भरी हुई है। आप बोल रहे थे कि ऑटो नहीं जाता है उधर, नहीं मैं ही ले आती, अब बाबू को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाबू टॉफी बांट के आया है स्कूल से, तो जो बचा है ना उसके बैग में पड़ा हुआ था, तो वही परी निकाल रही है कि मम्मा देखो इतना बच गया, तुम कोई नहीं, तुम दोनों लोग अपना खाना, फिर उसके बाद मैं आ गई भटूरा बनाने, बच्चे लोग ड्रेस चेंज कर लिए हैं, उनको भी लगी है भूख, तुम कहीं चलो भटूरा बना देती हूँ और खा लेंगे, और हस्बैंड का फीवर उतर गया है ना, तो देखिए आ गए किचन में कैसे, मैंने उनको बोला भी नहीं, वो अपने आप आए हैं और बोल रहे हैं कि दो मैं प्याज काट देता हूँ, तुम भटूरा तलो और मैं भी एक भटूरा और छोले खाऊंगा, मेरा भी मन कर रहा है, तुम कहीं खा लीजिए आप भी। तो वही प्याज काट रहे हैं, अभी सबके लिए निकालेंगे छोले भटूरे, सबको एक एक करके मैं दूंगी और सब लोग खा पी लेंगे, फिर बाद में मैं खाऊंगी। और भटूरा देखिए कितना फूला फूला बन रहा है फ्रेंड, आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, बहुत दिनों से ऐसे हो रहा था ना कि
कि मैं भटूरा बनाती थी, फूलता तो था लेकिन पूरा नहीं फूलता था। मतलब कहने का मतलब कि जितना मैं भटूरा मान लीजिए 10 बना रही हूँ तो 10 में से 5 फूलता था, 5 फूलता ही नहीं था। तो मैं मुझे बहुत गुस्सा आता था कि पता नहीं क्यों नहीं फूलता है। बहुत तरीक़ों से बना के देख चुकी थी, तो आज कुछ अलग ही तरीके से मैं बनाई हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं फिर कभी किसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो खाने भर तो भटूरा मैंने तल दिया, अब बस इतने पे ही रोक दूंगी। जब ये लोग खा लेंगे कम पड़ेगा तभी मैं तलूंगी, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना बहुत ज्यादा तलने का, और ठंडा हो जाएगा तो ऐसे भी कोई नहीं खाएगा। इधर देखिए मैं बाबू का भी प्लेट लगा दी हूँ, तो बाबू को दे देती हूँ, वो भी खा लेगा। इधर परी का एक प्लेट है, हस्बैंड बगल में बैठ के खा रहे हैं, तो ये लोग खा पी लेंगे तो फिर मैं भी खाऊंगी। तो अभी मैं भी खाना पीना खा ली हूँ, खा के फिर आ गई इस रूम में। देखी तो कोरियर आया हुआ था, बेड पे रखा हुआ था, तो मैंने खोल के देखा, इसमें निकला शर्ट और एक तो है पर्स। तो वही मैं परी को दिखा रही हूँ कि परी देखो बताओ कैसा है। मैं ना परी को पर्स निकाल के दिखाई रही थी कि हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं कि अनीता मेरा फीवर उतर गया है, तो चलो अभी मेरे साथ केक लेकर आते हैं, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम कहे चलिए फिर ठीक है, लेकर आते हैं और बाबू को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा खुश हो जाएगा, नहीं तो वो मन ना एकदम उदास करके लेटा हुआ है। जिस हस्बैंड जिस कमरे में ना हस्बैंड लेटे हैं उसी में वो सोया हुआ है। कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि मेरा बर्थडे नहीं मना रहे हैं लोग। बर्थडे वाले दिन कौन रोता है, क्यों रो रहे थे बेटा? मैं जबरदस्ती खाना खिलाती इसीलिए। बाप रे बहुत रोया दोपहर में, छोला भटूरा बनाई थी तो एक भटूरा बस सूखा सूखा खा लिया, मैं तल रही थी तभी ये खा लिया मेरे तलने भर में, इसको खाने आता नहीं है। तो मैं आई जब अपना खाना लेके तो इसको जबरदस्ती थोड़ा सा 2-3 चम्मच छोले खिला दी, उतने में ही आधा घंटा तक रोया है, बोल रहा है मुझे जबरदस्ती खाना खिला दी। तो फिर रो के सो गया, इसको बहुत एक घंटा मनाई हूँ तो जाके सोया है। मैं बोली कि बाबू बर्थडे वाले दिन कोई नहीं रोता है, तो बहुत देर के बाद ही माना है। फिर उसके बाद बाबू सो के उठा, सांस नहीं लिया जा रहा है, सीने में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी सोच रही हूँ कि अपनी दीदी को फ़ोन करके ना पूछती हूँ कि अगर सीने में दर्द हो तो क्या करना चाहिए। हस्बैंड तो एकदम फीवर से तप रहे हैं, दोपहर में खाए दवाई, दोपहर में क्या वही 10-11 बजे के लगभग दवाई खाए तो उनको आराम हो गया था, तो एंटीबायोटिक और वही पैरासीटामोल बुखार वाली दवाई खाए तो आराम हो गया था। तो शाम को जब मैं भी सो गई, सोई नहीं थी, लेटी थी यहीं पे बेड पे, तो क्या हुआ कि हस्बैंड को थोड़ा सा फीवर उतरा, थोड़ा उनको ठीक लगा, तो बोले कि चलो बाबू का बर्थडे है तो केक लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत करके गए, मैं गई, बाबू और हस्बैंड। परी अपना पार्क में खेल रही थी, ये देखे बाबू के लिए एक ठो खिलौना दिलवा दिए कि थोड़ा खुश हो जाएगा। बाबू वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है? हाँ, कहाँ लेटे हुए हो बाबू? खेलो खिलौने से। तो केक लेकर आ गए, अभी काटेंगे। मैं तो मन नहीं कर रहा है खाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सीने में दर्द हो रहा है और घुटन सी हो रही है दो दिन से, और हस्बैंड भी मना कर रहे थे। और मैं बोली कि मेरे घर के पास में ही ना एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो वहीं पे खाना खिला के इन लोगों को हल्का फुल्का नाश्ता करवा के ले आती, लेकिन हस्बैंड डर रहे कर रहे कि नहीं अभी सब लोग बीमार चल रहे हैं तो बाहर का नहीं खाओ, तो बस केक कटेगा और कुछ भी नहीं खाएंगे, किसी और दिन खा लेंगे। ठीक है बाबू, किसी और दिन जब हम सारे लोग ठीक हो जाएंगे तब चलेंगे। ठीक, हाँ प्रॉमिस कर रही हूँ मैं बाबू को अपने पार्टी दूँगी, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए नहीं वो होना बाबू, गुस्सा नहीं होना। ठीक, तो अभी तुम्हारा ड्रेस चेंज कर देती हूँ तो केक कटिंग कर लेना। ठीक, अभी देखो बाबू सबकी तबीयत खराब है ना इसकी वजह से। हाँ, दवाई खाना है क्या? कुछ खा पी के खाइएगा, अभी नहीं रोटी बना दूँ? टाइम भूख नहीं लगी है तो खाली पेट थोड़ी खाएंगे, सुबह का एक रोटी खाए हैं तो दवाई कैसे खाएंगे? 7:30 बज रहा टाइम हो रहा है। खिचड़ी हाँ, अरे छोले भी बचा है, भटूरा का आटा बचा है, फिर आटा बचा है, तो उन सब खाने का मैं क्या करूँ? सारा फेंकना पड़ेगा, खीर भी बचा हुआ है। खा लूँगे छोले भटूरे, अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा है। चलिए फ्रेंड काम कर लेती हूँ और बाबू की केक कटिंग करवा लेती हूँ, और आप लोग मेरे बाबू को बर्थडे विश कर दीजिएगा।
ये ब्लॉग ना 10 तारीख का है, तो 10 अगस्त को मेरे बाबू का बर्थडे रहता है। तो अभी घर का सारा काम करके हस्बैंड को मैंने खिचड़ी बनाया, वो खाए हैं, फिर छोला तो था ही, भटूरा तल दी तो बच्चे लोग खाए, वही मैं भी खा ली, फिर बर्तन वर्तन धोई हूँ, किचन की साफ़ सफाई की हूँ। तब तक इतने में ना बाबू सो रहा था, जब मैं इस कमरे में आई तो एकदम नींद में था, तो मैंने उसका ड्रेस चेंज करवा दिया, बाकी हम लोग नहीं किए। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मुझे ठंडी सा लग रहा है, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया ड्रेस चेंज करने का। ड्रेस तो छोड़िए फ्रेंड, मैं तो कंघी तक नहीं की हूँ, ना मुँह धोई, कुछ भी नहीं की। हम कहे चलो बस एक है ना कि बाबू का केक कट जाना चाहिए, बर्थडे है, तो वही मैं बैठ गई कि चलो केक कटवा देते हैं ना, बाबू सो जाएगा। तो परी अपना प्लेट में लगा के ले आई, और अभी केक कटिंग हो रहा है। हस्बैंड तो उठ के आए भी नहीं, बोले कि नहीं अनीता मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे मत बुलाओ, तुम लोग अपना आपस में कट कर लो। वही मैं बोल रही हूँ कि पापा को बुलाओ परी, लेकिन थोड़ा सा खिला देते हैं उनको भी। मैं परी से वही बातें ही कर रही हूँ कि बुलाओ उनको, थोड़ा सा खा लेंगे फिर जाके सो जाएंगे, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं कर रहे, मेरे पास ही ला के मुझे थोड़ा सा खिला दो तुम लोग, और मैं नहीं खाऊँगा केक, मेरा भी मन नहीं है खाने का, मैं भी नहीं खाऊंगी। अब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो कल देखूंगी खा लूंगी, आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा, मुझे ठंडी लग रही है। अभी थोड़ी देर में ना मैं भी दवाई खाऊंगी, हिम्मत करके बस किसी तरह से बैठी हूँ, मन एकदम बिल्कुल भी नहीं है बैठने का। सारा काम फटाफट से निपटाई, बर्तन वर्तन धोई सब कि अगर बेड पर पड़ जाऊंगी ना तो फिर सारा काम ऐसे ही रह जाएगा, फिर आलस आएगा ना, दवाई खा के मुझे भी सोना है। तो मैंने मना कर दिया परी को कि परी दो प्लेट लाओ, लेकिन ला दी चार, तो वही मैं बोल रही हूँ कि परी दो प्लेट हटा दो, पापा भी नहीं खाएंगे और ना ही मैं खाऊंगी। नहीं, इसके पहले अगर आप लोग जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं, तो इसके पहले जितने भी बर्थडे हों चाहे एनिवर्सरी हो, केक करता है ना तो हम चारों लोग साथ में बैठ के खाते हैं, कहियो तो आधा से ज़्यादा तो हम उसी टाइम तुरंत ही फिनिश कर लेते हैं, लेकिन अभी कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लिए, फिर वैसे ही पूरा केक मैं ले जाके फ्रिज में रख दी। तो अभी ड्रेस चेंज करके मैं दवाई खा के अब जा रही हूँ सोने। फ्रेंड आज का ब्लॉग बस इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।